Tonight, the Department of Justice says the FBI led an international takedown of a notorious hacking network. A man on a motorcycle was clocked at more than 120 miles per hour. Look at this guy, look at this guy, look at this, look at this. He is totally showing off. ये बात है 2008 की, जब ग्रीक के शहर एथिन की एक लोकेशन से बहुत ज्यादा हैकिंग अटैक्स रिपोर्ट हो रहे थे। उस लोकेशन से ताल्लुक रखने वाले हैकर ने पूरे ग्रीक के नेटवर्क्स को डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट था, उस हैकर की लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी। मतलब अगर एक हैकिंग अटैक एक जगह से रिपोर्ट होता तो कुछ ही देर बाद दूसरा दूसरी जगह से रिपोर्ट होने लगता। मगर उस हैकर की हैकिंग का स्टाइल सेम था। इस बात ने उस हैकर को ट्रैक करने वालों के दिमागों को घुमा कर रख दिया था कि आखिर एक इंसान एक वक्त में डिफरेंट जगहों से किस तरह से हैकिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि 2008 में कोई इतनी हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, बस इसी वजह से उस हैकर को ट्रैक करने वाले परेशान थे। दूसरी तरफ वो हैकर हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहता था। उस हैकर की हरकतों पर नजर सिर्फ ग्रीक की इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं बल्कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी उस हैकर की हरकतों पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि उस हैकर के हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने का स्टाइल बिल्कुल अस्त्रा हैकर की तरह था। यानी उस हैकर का तरीका वारदात अस्त्रा हैकर से काफी मिलता जुलता था। बस इसी वजह से DGSI, जो कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी थी और जिसे अस्त्र हैकर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, DGSI के ऑफिशियल्स ने आपस में मीटिंग की और ये फैसला किया कि उस ग्रीक हैकर का हैकिंग स्टाइल अस्त्र हैकर से काफी मिलता जुलता है, तो क्यों ना DGSI, NIS जो कि ग्रीक की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके साथ हाथ मिलाकर उस हैकर को ट्रैक करने के लिए कोशिशें करे। मगर अब यहाँ पर उनको एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि अस्त्र हैकर की तरह सोचता हो, क्योंकि DGSI वाले ये अच्छी तरह से जानते थे कि अस्त्र हैकर एक तेज दिमाग रखने वाला हैकर है, तो अस्त्र हैकर को पकड़ने के लिए उसी तरह से सोचने वाले इंसान की जरूरत होगी। अब इस कहानी में एंट्री होती है गयाम प्यूपर्ट की, जो कि उस वक्त का एक बहुत ही बड़ा एथिकल हैकर था। responsibility and what we have to do is of huge importance to do cybersecurity. और यहाँ मजे की बात ये थी कि उसके पास अपना खुद का डेवलप किया हुआ एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर था जो कि किसी भी हैकर को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ट्रैक कर लेता था। यूं DGSI और गयाम प्यूपर्ट अब ग्रीक के लिए रवाना होते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का महायुद्ध। यूं अब DGSI और NIS ने एक साथ कोलैब करते हुए हैकर को ट्रैक करना शुरू कर दिया था, और हैकर को पकड़ने के इस मिशन में उन सब की सबसे बड़ी ताकत गयाम प्यूपर्ट था। यूं देखते देखते गयाम प्यूपर्ट ने उस हैकर की IP एड्रेस लोकेशन को ट्रेस कर लिया, जो कि बार बार चेंज हो रही थी। और यूं DGSI और NIS की टीम्स ने उस हैकर के घर पर धावा बोल दिया। मगर जब वो वहां पर पहुंचे तो हैकर वहां से फरार हो चुका था। यूं एक बार फिर वो सब हैरान हो गए और परेशान रह गए कि ये हैकर आखिर कैसे भाग सकता है। मगर इसी दौरान गयाम प्यूपर्ट DGSI की टीम्स को एक ऐसा सबूत दिखाता है जिससे DGSI की टीम का शक यकीन में बदल जाता है कि ये हैकर कोई और नहीं बल्कि अस्त्र हैकर है। दरअसल गयाम प्यूपर्ट उस हैकर के कंप्यूटर को हैक करके उसमें मौजूद डिसाल्ट ग्रुप के ब्लूप्रिंट्स DGSI की टीम को दिखाता है, तो अब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि यह हैकर कोई और नहीं हो सकता बल्कि यही हैकर अस्त्र हैकर है। और इससे उनकी परेशानी में मजीद इजाफा होता है, क्योंकि एक बार फिर अस्त्र हैकर उनको धूल चटाकर भाग चुका था। अभी वो सब इन्हीं सोचों में गुम होते हैं कि गयाम प्यूपर्ट के लैपटॉप पर उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जिस मैसेज के अंदर ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा था। और जब वो उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वो शॉक होकर रह जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम लोग अस्त्र हैकर को कभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं वो हूँ जो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। अब गयाम प्यूपर्ट सबसे पहले
अस्त्र हैकर से रिसीव किए हुए मैसेज की आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है तो वो लोकेशन कुछ ही किलोमीटर्स के फासले पर मार्क होती है। और जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं तो उनके सामने एक शख्स टर्मिनल खोल के काली लिनक्स पर काम कर रहा होता है। और अब यूं उनको पूरा यकीन हो चुका था कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अस्त्रा हैकर है। और फिर वो हैकर पकड़ा जाता है। बाद में उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर वो शख्स कौन है और मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो यहाँ पर उनको मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि उनको मजीद परेशान कर जाता है। जब उस हैकर की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसका बायोडेटा निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि इस हैकर का नाम सोटिरिस साइफर है जो कि एक ब्लू हैट हैकर है, यानी वो मुख्तलिफ कंपनियों के लिए एज अ फ्रीलांसर के तौर पर काम करता है। यूं अस्त्रा हैकर एक बार फिर सबको मैनिपुलेट करके भाग चुका था और अस्त्रा हैकर ने उस हैकर सोटिरिस साइफर की लोकेशन को जानबूझकर ट्रैक करवाया था ताकि वो आराम से भाग सके। यूं अस्त्रा हैकर एक बार फिर सबको धूल चटाकर भाग चुका था और अब तक उसे कोई भी पकड़ नहीं सका था। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सोटिरिस साइफर ही अस्त्रा हैकर है मगर ये सिर्फ एक ख्याल है। लेकिन कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सका कि क्या सोटिरिस साइफर ही अस्त्रा हैकर है या फिर अस्त्रा हैकर कोई और था।